नमस्कार, स्वागत है भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए सबसे पहले आपके साथ प्रमुख जानकारी साझा करते हैं। दक्षिण अंडमान सागर में 29 नवंबर 2021 को कम दबाव का क्षेत्र बनने जा रहा है और ये आने वाले 48 घंटों के दौरान ये ज़्यादा चिन्हित होने जा रहा है और इसकी जो दिशा होगी वो है पश्चिम उत्तर पश्चिम की दिशा होने जा रही है। अब इससे क्या होने वाला है, इससे इसके इन्फ्लुएंस के साथ इसके प्रभाव से भारी वर्षा अंडमान निकोबार आइलैंड में 29 और 30 नवंबर 2021 को देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ हवाओं की अगर तीव्रता की अगर हम बात करें 40 से 50 किलोमीटर प्रति आवर या एक तरह से कहते हैं प्रति घंटे की रफ्तार से, और इसकी गति अब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भी पहुंच सकती है और ये जगह होगी अंडमान सागर और उसके समीपवर्ती जगह में और 30 नवंबर 2021 से 2 दिसंबर के बीच में। मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन दिनों के बीच वो इन जगहों पे ना जाए, खासकर 30 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच। अगर हम संपूर्ण भारत की अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो किसी भी तरह का कोई महत्वपूर्ण शीतलहर होने की संभावना नहीं दिख रही है। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान जो हमारी वेधशालाओं में वर्षा दर्ज की गई है उसको अगर हम संख्यात्मक रूप से जाने। तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकाल में अगर बात करें ये कयापटिनम में 31 सेंटीमीटर दर्ज की गई है, तुतीकोरिन में 27 सेंटीमीटर दर्ज की गई है, तिरुचेंदूर में 25 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। आप देख सकते हैं अत्यंत भारी वर्षा यहाँ पे देखने को मिल रही है। साथ ही साथ नागापट्टिनम, पेरम्बरू, तंजावूर, तिरुवलूर, तिरुवरूर, नानीलम सब जगहों पे अगर हम बात करें 8 से 9 और 10 सेंटीमीटर तक वर्षा पिछले 24 घंटों के दौरान दर्ज की गई है। केरला की अगर हम बात करेंगे तिरुवनंतपुरम में 7 सेंटीमीटर दर्ज की गई है और साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीप आइलैंड की बात करें वहां पर भी भारी वर्षा दर्ज की गई है जिसे हम पोर्ट ब्लेयर में 7 सेंटीमीटर के रूप में देख रहे हैं। अगर हम सिनोप्टिक सिचुएशन संयुक्त परिस्थिति की अगर हम अभी बात करेंगे, ये देखिए बादलों का जमावड़ा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जैसा कि हमने बताया अभी। ये देखिए एक घने बादल आपके दक्षिण प्रायद्वीप खासकर तमिलनाडु श्रीलंका के तटों पे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब क्या होने वाला है, अगर हम बात करें एक चक्रवाती परिसंचरण कोमोरिन क्षेत्र ये जगह जो आप देख रहे हैं और उससे सटे श्रीलंका तट पर बना हुआ है और निचले स्तरों पर तमिलनाडु तट और दक्षिण आंध्र प्रदेश में तेज उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं। अगर हम इसके प्रभाव के बारे में अगर हम आपसे साझा करें 26-27 नवंबर को कोमोरिन क्षेत्र, मन्नार की खाड़ी, दक्षिण तमिलनाडु तट और उससे सटे दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में तेज हवाएं चलेंगी जैसा कि हमने बताया 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और इसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंचने की संभावना है। तो अगर हम बोल सकते हैं मछुआरों को सलाह दी जाएगी इन जगहों पर वो ना जाए। आइए पूर्वानुमान की बात करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 26 तारीख को अगर हम देखें, ये देखिए अत्यंत भारी वर्षा तमिलनाडु में, हवाओं की गति भी बहुत अधिक है। केरला में छिटपुट से भारी वर्षा, कोस्टल आंध्र प्रदेश रायलसीमा में भी आप देखेंगे छिटपुट से भारी वर्षा। अगर हम तमिलनाडु की बात करें 27-28 को भी भारी से भारी वर्षा, ऑरेंज अलर्ट है। कोस्टल आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें 28 तारीख को भारी वर्षा देखने को मिल रही, साथ ही साथ कोस्टल आंध्र प्रदेश में 29 तारीख को ऑरेंज अलर्ट है, भारी से भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। हालांकि तमिलनाडु उसके बाद वर्षा की तीव्रता में कमी देखने को मिल रही है। अगर हम आपसे निवेदन करें आप हमारे वेबसाइट में जाइए, स्थानीय हमारे वेबसाइट पे आप आ सकते हैं, हमारे यूट्यूब की इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल एक बार फिर से हम आपके सामने उपस्थित रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।